नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, अनिद्रा की समस्या एक आम समस्या हो चुकी है। अक्सर लोगों को ये कहते सुना हो जाता है कि रात में नींद नहीं आती या सारी रात सोने की कोशिश करते रहे लेकिन सो नहीं पाए। दरअसल रात को सोते वक्त अनजाने में हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण हमें पूरी रात जाग के बितानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगी जिन्हें आजमाकर आप भी अच्छी नींद पा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला नियम है ईश्वर का ध्यान करें। जिस प्रकार हम सुबह जागने के बाद परमात्मा को याद करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उसी प्रकार हमें प्रभु की प्रार्थना करके बिस्तर पर लेटना चाहिए। साथ ही अपने इष्ट देव को भी ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, अगला नियम है गद्दे के नीचे वस्तुएं न रखना। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वह काम करने के बाद अपने जरूरी कागज, पेंसिल, कॉपी इत्यादि बिस्तर के नीचे या गद्दे के नीचे रख लेते हैं। ये चीजें नींद में खलल डालती हैं। ये कभी भी अपने गद्दे के नीचे न रख कर सोए। अगला नियम है हमेशा शरीर ढककर सोएं। सोते समय एक बात का ध्यान रखें कि शरीर को चादर से अवश्य ढकें, क्योंकि ऐसा करने से अच्छी नींद आती है। गर्मियों में हम लोग शरीर पर बिना कुछ ओढ़े ही सो जाते हैं। यह गलत है, भले ही किसी पतले कपड़े से, मगर अपने शरीर को हमें ढककर सोना चाहिए। यह एक अच्छी नींद में कारगर सिद्ध होता है। अगला है दोस्तों, झूठा मुंह करके ना सोना। हम सभी सोने से पहले कुछ ना कुछ खाते या दूध जरूर पीते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी ऐसे नहीं सोना चाहिए। चाहे हम दूध पिए या कुछ भी खाएं, हमें हमेशा खुला करके सोना चाहिए। अगला नियम, कमरे में हो हल्की रोशनी। जिस कमरे में हम सोते हैं उसमें मध्यम अर्थात हल्की रोशनी भी चाहिए। रोशनी ना ही तो ज़्यादा तेज और ना ही बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। ऐसा करने से आपको नींद में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती और रात में डरावने सपने भी नहीं आते। अगला है बेड के नीचे वस्तुएं न रखें। दोस्तों, सोते समय इस बात पर ध्यान दें कि आपके पलंग के नीचे कोई भी लोहे का सामान, झाड़ू या कबाड़ ना हो, क्योंकि इन सब से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आपकी नींद में बाधा आती है। अगला है सोने की सही दिशा। दोस्तों, हमारे सोने की दिशा सदैव सही होनी चाहिए और वास्तु में इस बात का खास महत्व है कि आप किस दिशा में सिर करके सोते हैं। यदि आप दक्षिण दिशा में सिर करके सोते हैं तो यह सबसे उत्तम स्थिति है। वास्तु के अनुसार ऐसे सोने से धन लाभ के मार्ग बनते हैं तथा नींद भी अच्छी आती है। अगला नियम, सिर ऊंचा रखें। इस बात का ध्यान रखें कि सोते समय आपका पलंग इस प्रकार रहे कि पैर थोड़े नीचे और सिर हल्का सा ऊंचा रहे। आप चाहे तो सिर के नीचे हल्का तकिया लगा सकते हैं। तकिया अधिक मोटा नहीं होना चाहिए तथा पलंग पर कुछ बिछोना जरूर होना चाहिए। अगला है पैरों को अच्छे से सुखाकर सोना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे पैरों को गीला करके सोते हैं। यह गलत है, हमें हमेशा पैरों को अच्छे से सुखाकर सोना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह माना जाता है, अगर आप गीले पैरों को लेकर बिस्तर पर सोते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। वहीं सूखे पैरों को लेकर सोना समृद्धि का सूचक है। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन करके हम अपनी नींद न आने की समस्या का समाधान कर सकते हैं तथा वास्तु के अनुसार अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।